नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूं अपने पिछले वीडियो को। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे, फिर से आ जाते हैं यहां पे। 7 नंबर का प्रॉब्लम यहां पे है अपने पास। मेरे हिसाब से आपने पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, चीज़ें समझ ली होंगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 200 स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का जो हाइट है वो एक एरे में स्टोर करा लिया गया है। अगर 40 सेकेंड लगता है किसी दो इंसानों की हाइट को कंपेयर करने के लिए, तो मैक्सिमम डिफरेंस बता दो हाइट के बीच में, ठीक है। मतलब आपको टाइम यहाँ पे बताना है, मैक्सिमम डिफरेंस कितना है हाइट के बीच में, कितना टाइम लगेगा उसको कंपेयर करने में, ये चीज़ आपको बताना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हूँ, ठीक है, आइडिया वही है। देखो कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम डिफरेंस का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस का मतलब मैक्सिमम हाइट को अगर आप माइनस करोगे मिनिमम हाइट के साथ, तो क्या आपको मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। मतलब आपको मैक्सिमम एलिमेंट भी निकालना है, मिनिमम एलिमेंट भी निकालना है, तो ये क्या इसके बराबर है क्या, नंबर ऑफ कंपैरिजन टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट, ये मानते हो कितना कंपैरिजन लगता है। मेरे हिसाब से आपको अब चीज़ों में क्लियरिटी हो गई होगी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता के रखा हुआ है इतने कंपैरिजन, और बताया था गेट के एग्ज़ाम में इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एन की वैल्यू 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट का डेटा है अपने पास एरे में, माइनस टू करेंगे ये 100, 300 में से दो गया 298, एक इंसान के लिए इतना 40 सेकंड लगते दो लोग को कंपेयर करने के लिए, तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम दो लोग के लिए 40, टोटल इतने कंपेरिजन लगेंगे 298, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। मेरे हिसाब से आप आइडिया समझे होंगे, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले समय पे। एग्जैक्टली ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। और जितने भी अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे हैं, जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो कि थोड़े ट्रिकी है, जहाँ पे लोग फंसते हैं, वो हर एक टाइप के ईजी भी बताता हूँ, हार्ड भी बताऊँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि स्किप कर दूंगा हार्ड वाले, जितने मेरे एंड से लगता है कि यार इतना तो सामने वाले को आना ही चाहिए इस टॉपिक में से, इतना मैं हर बार आपको कराऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन एरे जिसमें साइज है एन माइनस वन एलिमेंट, जहाँ पे एलिमेंट 1 से लेके एन तक के, लेट मी से एन का वैल्यू 10 है, तो 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट यहाँ पे मेरे एरे में है, ठीक है। 1 से अब हो सकता है सॉर्टेड मैनर में हो या फिर अनसॉर्टेड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10 एक और एलिमेंट है जो कि मिसिंग है। लेट मी से जो 10 एलिमेंट है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट जो है मिसिंग है। आपको ये पता लगाना है कि मिसिंग एलिमेंट ढूंढने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि एलिमेंट यहाँ पे या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या 10 होगा, यही होगा। फिर काम करते हैं, पहले इस 1 को पकड़ते हैं, अब इस 1 को चेक करेंगे क्या इस एरे में आता है क्या, ठीक है। लीनियर सर्च कर रहा हूँ मैं, और तो कुछ कर नहीं सकता। लीनियर सर्च 1 के लिए इतना, वैसे ही n एलिमेंट्स के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, टोटल n एलिमेंट्स है, एक के लिए n, तो n एलिमेंट के लिए n स्क्वायर, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये है एक अप्रोच, आम जिंदगी वाला अप्रोच। एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा अगर मैथमेटिक्स जानते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आपको पता है यार सम ऑफ n एलिमेंट कितना होता है, n n+1/2। अब यहाँ पर से एक एलिमेंट मिसिंग होगा, होगा कि नहीं होगा, आपने सम निकाल लिया। यहाँ पे लेट मी से x जो है मिसिंग है, x इज इक्वल टू n(n+1)/2 माइनस ये सब कुछ को उस तरफ ले जाओ, यहाँ पर से x आ जाएगा। अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप निकालना चाहो तो n(n) मतलब n स्क्वायर, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर यहाँ पर से भी आ रही है। लेकिन एक दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आप मिसिंग एलिमेंट को ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 से लेके n तक के एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं पता अपने को, है ना, एक एलिमेंट नहीं पता, तो मेरे को पूरा सम तो पता है ना। मेरे को अगर कोई बोल दे कि 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का सम तो वही होगा, है ना, वही होगा, क्योंकि 1 से चालू कर रहे हैं अपन, तो 10 एलिमेंट का सम अपने को पता चल गया। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि मिसिंग एलिमेंट जो होगा वो ये जो सम है, माइनस कर दो वो सारे एलिमेंट जो कि एरे में है मेरे, है ना, उनके सम से, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पर से भी आएगा। ये एक खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और यहाँ पे अपने को काफ़ी ज़्यादा सोचना होगा।
वो 6 रेसिंग ट्रैक है, 30 घोड़े हैं, 6 ट्रैक 30 घोड़े, मतलब हर एक ट्रैक में कितने घोड़े दौड़ने वाले, 5 घोड़े दौड़ने वाले। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रेसेस, हम कितनी ऐसी रेसेस करा दें टू गेट द फास्टेस्ट 3 हॉर्सेस। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो G1, G2, G3, G4, G5, मैंने यहाँ पे 5 ट्रैक बना लिए, ग्रुप बना दिए। अब यहाँ पे 5-5 हॉर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5। अब इनमें से कोई 3 लोग विनर होंगे, 1, 2, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से 1, 2, 3, 1, 2, 3। मुझे सबसे पहले सबसे तेज़ घोड़ा चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये 5 रेसेस करा दी। तो टोटल अभी मेरे पास जितनी भी रेसेस होते जा रही है, मैं इधर प्लस करते जा रहा हूँ, 5 तो मुझे करानी होगी। हर एक जगह से एक विनर आएगा ही आएगा, हर एक जगह से एक ना एक विनर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जो इसका विनर है, 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 इनकी रेस कराऊंगा मैं उस लेट में, ठीक है। 5 रेस क्यों, देखो सबसे पहले क्या, हर एक ट्रैक में मेरे को 3 लोग मिलने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मुझे चाहिए सबसे तेज़ घोड़ा, मुझे क्या चाहिए, सबसे तेज़ घोड़ा चाहिए। तो सबसे तेज़ घोड़ा अगर आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले ये 5 रेस कराए, G1, G2, G3, G4, ये 5 रेस तो हो गई। एक रेस आपने क्यों कराई, ताकि आपको ये सबसे तेज़ घोड़ा यहाँ पर से मिल जाए, ठीक है, सबसे तेज़ घोड़ा। अब इसमें से भी क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये मेरे को मिल गया फास्टेस्ट हॉर्स। तो फास्टेस्ट हॉर्स ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पे 6 रेस कम से कम लगानी पड़ेगी, लेकिन फास्टेस्ट 3 हॉर्स निकालने बोला है, यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का। तो जो सेकंड नंबर पे आया होगा, आप खुद से थोड़ा सोच के देखना, क्या ज़रूरी है कि यही दोनों सेकंड और थर्ड यही हो। सबसे तेज़ की बात करें, सेकंड थर्ड की बात नहीं करें, सबसे तेज़ की बात करें, सबसे तेज़ घोड़ा तो भाई वही होगा जो इन सब में सबसे तेज़ हो, ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेकंड है, आप थोड़ा खुद से सोच के देखना, जो सेकंड है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए अगर आप थोड़ा खुद से सोचो, सेकंड और थर्ड दोनों की बात करो, सेकंड और थर्ड के लिए आप खुद से थोड़ा सोच के देखना, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वो कोई एक घोड़ा, लेट मी से ये जो वन वाला मेरा सबसे तेज़ घोड़ा था वो ग्रुप नंबर G1 से है, मान लेते हैं अभी के लिए, है ना। तो ये जो वन वाला घोड़ा है वो किसी भी घोड़े के साथ कम्पीट करेगा तो जीतने वाला है क्या, जीतेगा। हो सकता है कि ये पूरी रेस में ये वाला जो घोड़ा हो वो सेकेंड मोस्ट तेज़ घोड़ा हो, लेकिन वन से थोड़ा पीछे रह गया हो, तो क्या ये मानते हो क्या कि ये भी सेकेंड वाला तेज़ घोड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक और रेस करानी होगी, इसके लिए आपको एक और रेस करानी होगी, जहाँ पे आपको ये लोगों को यहाँ पे बैठाना होगा, 2, 3, ठीक है। ये जो 2 है ये इसको आपको लाना होगा, ये 2, 3 भी हो सकते हैं। तो आप क्या किए, एक दूसरी रेस कराए जहाँ पे ये जो 2, 3 है इनको लिए, ये जो 2, 3 है इनको लिए, ये जो 2, 3 है ये सारे ग्रुप के, मतलब आपको तो सिर्फ यही वाले ग्रुप के लेने होंगे क्या, हो सकता है इसी से ही हारे हो, ठीक है, वन से ही हारे हो। तो मैंने इन लोगों की एक और रेस करा दी, जिससे मुझे सेकंड और थर्ड पोजीशन मिलेंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड पोजीशन। अगेन थर्ड के लिए भी वही आइडिया है, थर्ड के लिए भी वही आइडिया है, अपने को वही चीज़ फॉलो करना है। मान लेते हैं कि जो सेकंड वाला हॉर्स है वो इस ग्रुप से आया हो, ज़रूरी तो नहीं है कि इसी ग्रुप का हो, हो सकता है इस ग्रुप का हो सेकंड मोस्ट तेज़ घोड़ा, ठीक है, हो सकता है सेकंड मोस्ट तेज़ घोड़ा इस ग्रुप का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में अपने को क्या करना होगा, उस केस में अगेन थर्ड के लिए यही चीज़ दोबारा अपने को सोचना है। तो अल्टीमेटली बोलने का मेरा मतलब ये है कि सेकंड थर्ड के लिए अपने को एक और रेस करानी पड़ जाएगी, 5 नॉर्मल रेस, 1 फास्टेस्ट के लिए रेस, 1 रेस उसके लिए जहाँ पे मैं एक्चुअल सेकंड और थर्ड ला रहा हूँगा। तो टोटल 7 रेस लगेंगे मेरे को। एक बार इसको खुद से डिकोड करने की कोशिश करना, तभी ये समझ में आएगा, एक बार में बहुतों को समझ में नहीं आता है, एक बार खुद से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, एन स्टूडेंट है क्लास में, टीचर वॉन्ट टू फाइंड द लीडर ऑफ द क्लास एंड यूजेस, अगेन ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऑड इंडेक्स एलिमेंट रिमूवल स्ट्रेटेजी को यूज करें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन जब एन की वैल्यू 10 हो। ठीक है, देखो अगर लेट मी से एन का वैल्यू 10 है, 10 ही वैसे बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऑड इंडेक्स पे जो भी है उसको रिमूव करना है, रिमूव हटा दो, लीडर बना रही है टीचर, ये स्ट्रेटजी से लीडर बना रही है, अब बचा कौन, 2, 4, 6, 8, 10, ऑड इंडेक्स पे जो भी है उसको हटा दो, ऑड इंडेक्स पे जो भी है हटा दो, बचा कौन, 4, 8, ऑड इंडेक्स पे हटा दो, बचा कौन, 8, 8 बन जाएगा लीडर। तो जब एन की वैल्यू 10 होगी 8 आएगा आंसर। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो कर सकते हैं, यहाँ पे ये लाइन बस समझने वाली बात थी, ऑड इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव करना, तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है, अगर आपको नहीं पता है जान लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉर्टेड एलिमेंट है, एन नंबर्स का एक सॉर्टेड एलिमेंट है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे यहाँ पे जो भी हो, ठीक है, एलिमेंट है, उसके बाद फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, फॉर द बेस्ट नोन एल्गोरिथम टू फाइंड अ पेयर ऑफ एलिमेंट ए और बी, ताकि जो डिफरेंस है वो कुछ के आए। मान लेते हैं डिफरेंस तो अपने को पता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और ये भी पता है कि सॉर्टेड एरे है, और ये जो के है ना, ये क्वेश्चन में दिया था कि पॉजिटिव इंटीजर है, ये चीज़ देना बहुत ज़रूरी है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, के जो है पॉजिटिव इंटीजर है, अब सॉर्टेड एरे है तो 1, 2, 5, सॉर्टेड का मतलब ये आगे के ऑर्डर में, मतलब जब भी अपने को डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस लेंगे वो ऐसा ही लेंगे कि मतलब ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर निकलना चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा, अपने को देखो दो पॉइंटर को, एक भैया को बुला लो, एक दीदी को बुला लो, आई को बुला लो, एक जे को बुला लो, आप क्या करो, एक आई को बोल दो आप वहीं पे खड़े रहो, जे को बोलो एक एक कदम आगे बढ़े, जे एक एक कदम आगे बढ़ेगा, पहले मैं 1 को 1 के साथ माइनस करूँगा, फिर मैं 1 को 2 के साथ माइनस करूँगा, फिर 1 को 5 के साथ, 1 को 7 के साथ, इस तरीके से माइनस करूँगा, तो मेरे को सारे के सारे डिफरेंस मिल जाएंगे, पॉजिटिव डिफरेंस की बात करें मैं, पॉजिटिव डिफरेंस, मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं पहले वाले एलिमेंट को लूँगा तो हर बार नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, लेकिन नेगेटिव वाला भी अगर के मिल गया तो मेरे को समझ जाना है कि वो पॉजिटिव वाला के ही है। तो आप ये भी कर सकते हो कि सबको लास्ट में खड़ा कर दो, आई और जे को लास्ट में खड़ा कर दो, और इसको डिक्रीमेंट करते जाओ, एक जन को खड़े कर दो, दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ, और बोलो कि माइनस करते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए, तो पूरी लिस्ट को जब ट्रेवर्स कर लेंगे तो अपने को एक के ऐसा नंबर मिल जाएगा कि पॉजिटिव नंबर, और ए और बी एलिमेंट मिल जाएंगे कि कौन से दो एलिमेंट पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो एक ट्रेवर्सिंग से मेरा काम चल गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ एन सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होगा जो कि इसको सॉल्व कर लेता है, क्योंकि मुझे एक लिस्ट का ट्रेवर्सिंग बस लगा। बहुत लोग यहाँ पे एक चीज़ में कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यार एक एलिमेंट के लिए पहले 1 को पकड़ लो, 1 का डिफरेंस सबके साथ लो, फिर 2 को ले लो, फिर 2 का डिफरेंस सबके साथ लो, तो n एलिमेंट है तो n का n स्क्वायर आएगा, नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, और सॉर्टेड एरे है, सबका सबके साथ करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ही लाना है, एक एलिमेंट का आगे वालों के साथ ही डिफरेंस लेना है। ठीक है, रैंडम कॉम्बिनेशन नहीं जनरेट करना, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आपको आवाज़ से पता चल रही होगी, लेकिन ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ गया होगा, इसका सबसे बेस्ट एल्गोरिथम है ऑर्डर ऑफ एन का। अगर नहीं आ रही है समझ में तो ये सब चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब गेट एग्जाम में आता है उस केस में बहुत हैरानी होती है, और अपन ये टिक कर देते हैं, और हमको जो लग रहा होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को अपने को ऑब्जर्व करना है, ध्यान से ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको नोट करता जाना है, एक एक चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर एरे ऑफ एन एलिमेंट है जो कि अनसॉर्टेड है, ए ऑफ आई में 1 एलिमेंट अगर मेरे को ढूंढना है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एन एलिमेंट्स का एरे है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कहीं ना कहीं पे एक जगह पे 1 होगा। ठीक है, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हैं, तो ठीक है एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, रिकरेंस रिलेशन लिख देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिड एलिमेंट निकाल लूँगा, मिड एलिमेंट निकाल लूँगा। ठीक है, ये करने मुझे सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 का खर्चा लगेगा, कॉन्स्टेंट टाइम प्लस। अब क्योंकि ये n एलिमेंट्स का एरे है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये ढूंढना है कि ये जो एलिमेंट है
वो या तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिड एलिमेंट होगा या तो राइट साइड पे होगा। तो इसी एल्गोरिदम को लेफ्ट साइड के लिए भी चला दे रहे हैं, राइट साइड के लिए भी। इस प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड कंकर प्रिंसिपल। ठीक है, जहां पे मैं असलियत में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये एग्जैक्टली डिवाइड एंड कंकर नहीं है। डिवाइड एंड कंकर में आप सिर्फ एक ही जगह पे सर्च कर रहे होते हो, ये डिवाइड एंड कंकर एग्जैक्टली नहीं है, उसी तरीके का है जहां पे आपको दोनों जगह पे सर्च करना हो, क्योंकि एरे जो है अनसॉर्टेड है। सॉर्टेड होता तो उस केस में इस फंक्शन को अगेन मैं आधे पैरामीटर के साथ कॉल कर दिया होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपने को लेफ्ट साइड भी सर्च करना होगा, राइट साइड भी सर्च करना होगा, तो ये मैं रिकरेंस रिलेशन जनरेट कर लिया। अगेन आगे आने वाले समय में आपको रिकरेंस रिलेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझ लो, ये जो एलिमेंट लिखा होता है ये होता है 2, ये जो एलिमेंट लिखा होता है ये होता है बी, ये जो लिखा होता है यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन। आपको एक खुद का फंक्शन लिखना है, जो कि कैसे लिखते हैं, n का पावर log बेस b, log बेस b a, तो n का पावर log बेस b a, तो ये हो जाएगा n। इन दोनों में से जो बड़ा होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है, ये और ये, इन दोनों में से जो बड़ा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो ऑर्डर ऑफ n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर दोनों बराबर होता है उस केस में, जैसे दोनों में अगर n n आ जाता है उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n log n, मतलब log n का आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस मंत्र को बोलते हैं मास्टर बाबा का मंत्र, मास्टर्स थ्योरम, नहीं पता है आने वाले समय पे बताऊंगा, अभी के लिए बस थोड़ा बेसिक आइडिया था, ये क्वेश्चन मुझे मिल गया तो मैंने डाल दिया। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो इसको कोई बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, आने वाले समय आपको समझ में आ जाएगा ये सब मैंने क्या किया, लेकिन ये चीज़ तो समझना ज़रूरी है यार। मैंने क्या किया, डिवाइड यहाँ पे असलियत में मिड पे जाके खड़ा हो गया, लेफ्ट साइड में भी सेम चीज़ किया, फिर से मिड पे जाके खड़े हो जाऊंगा, मतलब एक ही एल्गोरिदम को बार बार अपन कॉल कर दे रहे और तोड़ते जा रहे, मतलब अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तोड़ते जा रहे, लेकिन ये काम दोनों साइड पे कर रहे हैं। डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है, ज़्यादातर केस में अपन एक ही साइड में सर्च कर रहे होते हैं, यहाँ पे दोनों साइड पे सर्च कर रहे हैं, ये डिफरेंस है बस, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इन्वर्जन निकालें। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एरे में इन्वर्जन का मतलब होता है पेयर ऑफ इंडेक्सेस, पेयर ऑफ इंडेक्सेस। अब आसान भाषा में समझाता हूँ, बुक में बड़ा अजीब लिखता है। देखो आपको बस ध्यान ये रखना है, इंडेक्स बड़ा एंड एलिमेंट छोटा, ये होता है इन्वर्जन का मतलब, एक सिंपल सी लाइन में। अब इसी चीज़ को बुक में कैसा लिखता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एरे जो है इसको ऐसा बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से लिखता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो दो भैया को बुला लो, एक आई भैया एक जे भैया, दोनों अभी पहली पोजीशन पे खड़े, आई जे, जे जो है वो आगे बढ़ेगा, आई जो है आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब आई एक इटरेशन के बाद बढ़ेगा, मैं अभी इसका मतलब बता रहा हूँ। एंड ए ऑफ एलिमेंट छोटा होना चाहिए, ए ऑफ आई जो है वो बड़ा होना चाहिए ए ऑफ जे से, इंडेक्स बड़ा तो एलिमेंट छोटा, इंडेक्स छोटा तो एलिमेंट बड़ा। इसका मतलब ये है, आप अभी इंडेक्स नंबर लेटवी से इसको जीरो से ना चालू करते हुए, लेटवी से अपन वन से चालू कर देते हैं, ये जनरली ये क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर में पूछता है, और जो इंडेक्स है वो वन से चालू करवाता है, आप चाहो तो जीरो से ही कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, वन पे अभी आप खड़े हो। देखो आगे बढ़ते जाना है, वन पे आप खड़े हो, 27 से छोटा एलिमेंट देख रहे हैं आगे, कौन है 12, इसका इंडेक्स क्या है 2। अगला वन पे ही आप खड़े हो, आगे देखो 27 से छोटा एलिमेंट, 27 से छोटा, ये इंडेक्स क्या है 5। वन पे ही आप खड़े हो, और कोई है क्या, यस 6, ये वन के इन्वर्जन हो गए। अब टू पे आप खड़े हो, आगे ही देख रहे हैं, आगे ही देख रहे हैं, पीछे नहीं देख रहे हैं, टू पे आप खड़े हो आगे ही देख रहे हैं, 12 से छोटा एलिमेंट कोई है क्या, कोई भी नहीं है, 2 का कोई इन्वर्जन नहीं है। 3 पे खड़े हो आप, आगे ही देख रहे हैं, 45 से छोटा देखो 4th पे है, 5th पे और 6th पे, अब 4th पे खड़े हो, 4th पे
इससे छोटे एलिमेंट 5 और 6, 4 5 और 4 6, 5 पे खड़े हो आप तो 6, 6 पे खड़े हो के कोई इन्वर्जन नहीं मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे अपने को 9 इन्वर्जन मिल रहे हैं। एक बार चेक कर ले, मैं सही बोलूँ, 1 2 1 5 1 6, ठीक है, इससे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, ये तीनों ठीक है। फिर 3 पे अगर मैं खड़ा हूँ तो 3 5 मैंने बोला, 3 4 मैंने बोला, 3 5 मैंने बोला और 3 6 मैंने बोला, ये भी ठीक है। उसके बाद 4 पे अगर मैं खड़ा हूँ तो 31 से छोटा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी ठीक है। और 5 पे मैं अगर खड़ा हूँ, ओ सॉरी, ये तो नहीं आएगा, छोटा एलिमेंट देखना था, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आएगा इसका आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है नहीं, यहाँ पे बोला है कि एक फार्मर है जिसके पास एन नंबर ऑफ प्लांट्स है एक फार्म में, उसके पास एक एरे है जिसमें एरे में ना सारे प्लांट्स की हाइट इंचेस में लिखी गई है। हर दिन वो फार्मर 2-2 इंच काटता है हर दिन, और हर दिन वो जो पेड़ है 1-1 इंच बढ़ता है। आपको किसी स्पेसिफिक प्लांट विच फार्मर हैज इन द फार्म कैन हैव मैक्सिमम हाइट एच, उसकी मैक्सिमम हाइट एच हो सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब कोई भी एक प्लांट है उसकी हाइट एच से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इस पूरे एरे में जो भी एलिमेंट होगा एच से तो छोटा ही होगा, ठीक है, एच मैक्सिमम हो सकता है, एच हो सकता है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ दिन कितने लगेगी सारे के सारे पेड़ काट दिए जाए। काफ़ी अजीब गरीब क्वेश्चन लगता है पढ़ने से, असलियत में क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे पता है, मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन टू फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट। सर कैसे? एक ऐसा ट्री होगा जिसका हाइट एच होगा, जिसको काटने में सबसे ज्यादा दिन लग रहे होंगे, ठीक है, उसको काटने में सबसे ज्यादा दिन लग रहे होंगे, तो मैक्सिमम एलिमेंट को निकालने में कितना कंपैरिजन लगता है, एन माइनस वन। तो एच अगर एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट है तो मैक्सिमम कितना कंपैरिजन लगेगा, एच माइनस वन। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑर्डर ऑफ एच होगा। ऑप्शन में क्या दिया था मैं आपको बता रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, नन। आंसर क्या होगा पता है, नन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एच की बात ही नहीं किया है किसी ऑप्शन में। ऑर्डर ऑफ एच, थीटा ऑफ एच होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस कर ले, ये एक छोटी सी चीज़ है सॉर्टेड एरे में, ये चीज़ आप लिख लेना। इंसर्शन में आपको पता होगा अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको ट्रेवर्स करना होता है, तो ऑर्डर ऑफ एन। डिलीशन अगर आपको करना है किसी एलिमेंट को, आपको ट्रेवर्स करना होगा। मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट अगर आपको निकालना है किसी सॉर्टेड एरे में, तो आपको पता है कि मैक्सिमम एलिमेंट सबसे लास्ट इंडेक्स पे होगा। इंडेक्स से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसमें एक गो में, एरे की खासियत ही है एक गो में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अगर उसका इंडेक्स पता हो तो। वैसे ही मिनिमम एलिमेंट अपने को पता है पहले ही जगह पे बैठा होगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ वन, ये काम की चीज़ है, इसमें मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन है, एरे ऑफ एन इंटीजर जहाँ पे इनिशियली कोई एलिमेंट ए में इज मोर देन, अच्छा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है ए में जो कि के डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स फाइनल पोजिशन इन सॉर्टेड लिस्ट। ये एक बड़ा ही अजीब गरीब स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन असलियत में इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ए में, ये लिस्ट क्या है, सॉर्टेड है, लेकिन कितनी सॉर्टेड है, के सॉर्टेड है, के एलिमेंट तक के सॉर्टेड है। तो असलियत में यहाँ पे के सॉर्टेड एरे की बात करें तो एक छोटा सा वर्क आपको मैं देना चाहूँगा, के सॉर्टेड एरे, के सॉर्टेड एरे को अपन हीप सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करते हैं जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग के। तो ये के सॉर्टेड एरे क्या है, ये थोड़ा सा होमवर्क आप करोगे खुद से, गूगल से देखोगे, बुक है तो बुक से देखो, स्टैंडर्ड बुक से, स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा के सॉर्टेड एरे, या फिर आप गूगल की मदद ले सकते हो के सॉर्टेड एरे क्या होता है। ये केस जो है वो के सॉर्टेड एरे को डिनोट करता है, कुछ एलिमेंट जो होंगे वो सॉर्ट होंगे, है ना,
तो अपने को यहाँ पे वही काम करना है, के सॉर्टेड एरे को दोबारा सॉर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो कम से कम इतना लगता है हीप सॉर्ट से, बाद में आपको बताऊंगा हीप सॉर्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा होमवर्क है जो कि आपको करना है, आपको करना कुछ नहीं है, के सॉर्टेड एरे के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया, जो मेन मेन चीज़ें बस आपको देख लेना है ये क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये आइडिया समझ में आया होगा, ये पूरा एरे में जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए, ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक इंसान को आने चाहिए, और 95% लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ें सीखने मिली हुई मेरे इस वीडियो से, वैल्यू ऐड हुई हो आपकी, तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपसे मेरे से बात करनी है कुछ, मुझसे कुछ पूछना है, तो मैं आपकी मदद करूँगा, बस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और छोटा सा शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।